टाइगर ट्रैप गोट मटन वाला। एक गांव में घनश्याम और काशीराम नाम के दो कसाई साथ साथ सटे हुए दुकानों में बकरी का मांस बेचते थे। घनश्याम के दुकान के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी, पर काशीराम के दुकान के बाहर एक कस्टमर भी नहीं होता था। तब काशीराम अपने असिस्टेंट से, अरे छोटू, कुछ साल पहले हम दोनों के दुकान के बाहर एक जैसा लाइन लगा रहता था और एक जैसा धंधा होता था, पर कुछ दिनों से अपने कस्टमर्स भी घनश्याम के पास ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घनश्याम अपने मांस में कोई नशीली वस्तु मिलाकर बेच रहा है? नशीली वस्तु नहीं मालिक, घनश्याम जी धंधे का कोई अद्भुत नुस्खा प्रयोग कर रहे हैं। अगर जानना हो तो घनश्याम जी के बकरियों को चरने वाला चरवाह चंबा जी के पास जाकर पता करना होगा। अगले दिन काशीराम वहां एक व्यक्ति के साथ पहुंचा जहां चंबा जी अपने बकरियों को चरा रहा था। वो जो टीले पर बकरी चरा रहा है वही चंबा जी है, उसके पास जाकर मैंने जैसा कहा करो। तब वो आदमी चंबा जी के पास गया। नमस्ते भैया, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे? तब चंबा जी ने अपने पास से पानी का बोतल निकाल कर उसे दिया। वो पानी पीकर, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरा प्यास बुझाया, मुझे साहापुर गांव जाना है, जरा रास्ता बताना। इस टीले से उतरकर सीधा बाईं ओर जाओ और 2 किलोमीटर चलोगे तो साजी गांव पहुंचोगे। ये सब पेड़ के पीछे छिपकर देखता हुआ काशीराम, अरे ये क्या, मुझसे पैसे लेकर जो बात मैंने उसे उगलवाने को कहा ते छोड़कर ये अपना अलग नाटक कर रहा है। यूं मन में सोचकर वो उस व्यक्ति को इशारा करने लगा। तब वो आदमी सचेत होकर, अरे भैया, तुम्हारे बकरियों के लिए जो घास चाहिए वो तो टीले के नीचे भी मिलता है ना, तो फिर बकरियों को यूं टीले के ऊपर क्यों लेके आए? अरे बकरियों को चराना हमारा पुश्तैनी काम है। जब बकरियां टीले पर चढ़कर घास चरती हैं और फिर टीले से उतरती हैं तो उनका शरीर काफी रुष्ट पुष्ट होता है, तब उनका मांस भी काफी स्वादिष्ट होता है, इसीलिए यूं टीले पर ले जाकर चराता हूँ। पेड़ के पीछे छिपकर ये बात सुनकर काशीराम, ए घनश्याम, तो ये है तुम्हारे धंधे का रहस्य? जिन बकरियों से तुमने मुझसे मेरा कस्टमर छीना है उन्हीं बकरियों से तुम्हारा धंधा मैं चौपट करता हूँ, देखते जाओ। अगले दिन हमेशा की तरह चंबा जी टीले पर बकरियों को चराते हुए एक छोटे से मेमने को हरे पत्ते खिलाते हुए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे कहकर गाना गा रहा था। तभी उसे एक बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई। चंबा जी ने गाना बंद करके चारों तरफ देखने लगा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर तोड़ेंगे तम मगर यूं गा रहा था तो एक पेड़ के पीछे से बाघ के वेश में काशीराम दहाड़ता हुआ चंबा जी के सामने आकर खड़ा हुआ। सचमुच का बाघ है समझकर, अरे बाप रे, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, मैं बस्ती की ओर भागता हूँ कहकर एक चट्टान के पीछे जा छिपा। फिर अपनी आंखें मूंद कर, इस बाघ से मुझे बचा लो, ए बजरंग बली, ए हनुमान कहकर थर थर कांपने लगा। तब बाघ के वेश में काशीराम, बकरियों को चराने का जो तजुर्बा चंबा जी का है उसमें रत्ती भर भी उनकी रक्षा करने का नहीं है, डरपोक कहीं का कहकर उन बकरियों के झुंड में से कुछ बकरियों को उठा लिया। अगले दिन उसके चुराए हुए बकरियों का मीट अपने दुकान में लटका कर, आओ भाई आओ, ताजा बकरी का मीट बाजार के दाम से 50% की छूट, एक बार खरीदो, स्वाद या क्वालिटी में कोई फर्क हो तो आपके पैसे वापस कहकर आवाज देने लगा। घनश्याम के दुकान के बाहर लाइन जो खड़ी थी वे सारे कस्टमर्स डिस्काउंट के लालच में काशीराम के दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। एक घंटे में ही सारा मटन बिक गया। तब काशीराम अपने असिस्टेंट छोटू से, क्यों रे छोटू, देखा घनश्याम के कस्टमर्स को मैंने कैसे अपनी ओर खींचा? घनश्याम पर अपने बाघ का पंजा मारा है मालिक। तब काशीराम अपने मन में, बाघ का पंजा नहीं, बाघ का बेस। सुन छोटू, कल अपने और कस्टमर्स आएंगे, तुम बम्पर बोनांजा के लिए तैयार हो जाओ। काशीराम फिर से जंगल में जाकर बाघ के बेस में चंबाजी को फिर से डराकर इस बार भी कुछ और बकरियों को उठा लिया। अपने दुकान पर 2 घंटे में ही सारा मटन बेचकर काफी पैसे कमाए। चंबा जी घनश्याम के पास आकर, घनश्याम जी, 2 दिनों से अपने बकरियों पर बाघ हमला कर रहा है, अब तक कई बकरियों को वो बाघ उठाकर ले गया, अब मुझे भी डर लगता है।
चंबा जी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस काशीराम पर शक हो रहा है। कल तुम हमेशा की तरह बकरियों को लेकर जंगल जाओ, मैं भी आता हूँ। अगले दिन शंभाजी और घनश्याम बकरियों के साथ जंगल की ओर गए। घनश्याम ने जंगल में एक पेड़ से एक बकरी को बांध दिया। उस बकरी के सामने एक गड्ढा खोदकर उसे पत्ते और टहनियों से ढक दिया। इतने में बाघ का दहाड़ना सुनाई दिया। शंभाजी एक चट्टान के पीछे जा छिपा। घनश्याम एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा। बाघ के भेष में काशीराम वहां आया और बकरी को पेड़ से बांधा देखा। फिर बाघ की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा तो गड्ढे में जा गिरा। पेड़ से नीचे उतरकर काशीराम ने गड्ढे में झांककर देखा तो गड्ढे में काशीराम, और मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। अब सभी आ जाओ, बाघ जाल में फंस चुका है। तब शंभाजी के साथ साथ गांव वाले सब वहां पहुंचे। काशीराम को गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी अच्छी दुनाई की। शू कार बुल अटैक। रामांतपुर नाम के गांव में एक बैल था। उसका बछड़ा ट्रक से टकराने से मर गया था, इसलिए वो बड़े वाहन से चिढ़ता था। यूं वो हर रोज कार के पीछे बस के पीछे और ट्रकों के पीछे दौड़ता रहता था, पर धीरे जाने वाले वाहनों को वो कुछ नहीं कहता था। वाहन तेज जाते तो उसे बहुत गुस्सा आता था। रामांतपुर के पास ही विकासपुर नाम के गांव में श्रीवत्सा नाम का एक धनवान का बेटा रहता था। उसे कार का बहुत शौक था, इसलिए वो मैकेनिक को पैसे देकर उससे अलग अलग किस्म के कार बनवाता था, पर इस बात को राज रखकर सबसे यही कहता था कि ये कार उसी ने तैयार किया है और अपनी बड़ाई करता रहता था। यूं उसके पास वाटरमेलन कार, बनाना कार, एप्पल कार, समोसा कार, यूं कई किस्म के कार थे। वो यूं हर रोज अलग अलग किस्म के कार को लेकर घूमता रहता था। सब लोग उसके कार को देखकर हैरान होते थे। वो कॉलेज भी अलग अलग कार लेकर ही जाता था। कॉलेज में दोस्तों से खुद की तारीफ करता रहता था। एक दिन वो समोसा कार लेकर कॉलेज गया। वहां अपने दोस्तों से देखा ये कार, परसों जब मैं समोसा खा रहा था तब ये आइडिया आया, इसीलिए ये समोसा कार बनाया। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है भैया, और इनसे इसके स्पेयर पार्ट्स मंगवाया। जानते हो समोसा शेप के बॉडी मोल्डिंग जापान से मंगवाया था, कहकर डींगे मारने लगा। ये सुनकर दोस्तों ने ताली बजाई। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं भी ऑटो शो होता था अपने कारों को ले जाकर उनका प्रदर्शन करता था और इनाम भी जीतता रहता था। एक बार एक एग्जीबिशन में उसे पहला इनाम देकर कंग्रेचुलेशंस मिस्टर श्रीवत्सा, तुम जैसे होनहार व्यक्तियों की इस देश को बहुत जरूरत है। इतने किस्म के कारों को तुम अकेले ही किसी की सहायता के बिना तैयार कर रहे हो, ये तो आश्चर्य की बात है। रियली इट इज ग्रेट। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे कई और कार तैयार करोगे। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे और मेरे कारों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। बस उपाय आने की देर है, मैं खुद ही बिना किसी के मदद के इन कारों को बनाता रहता हूँ। मुझ में ये हुनर कैसे आया ये तो बस भगवान ही जानता है, सब उसी की मेहरबानी है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खुशी से ताली बजाई। ये सब टीवी पर देख रहे मैकेनिक और उसके परिवार के सदस्य बहुत दुखी हुए। ये क्या पिताजी, कार बनाया आपने और इनाम वो ले जा रहे हैं, ये तो गलत है। आपकी काबिलियत दुनिया को पता, यही तो मैं भी कह रही हूँ। पैसे भी तो पूरे नहीं दे रहा है, हमारे पास पैसे होते तो ऐसे कई कार बनाकर बेच सकते थे ना, सब अपनी किस्मत है, कहकर दुखी हो रही थी। जोर से ना बोलो, ये बात अगर बाहर गई तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो जो चार पैसे मिल रहे हैं वो भी जाएंगे, कृपा करके इसकी चर्चा कहीं ना करना। अगले दिन शेड के पास श्रीवत्सा, अरे लड्डू इस बार मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है, इस बार शू कार बनाना होगा। उसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। बोलो कितना खर्चा होगा? बहुत जल्दी बनाकर देना होगा क्योंकि अगले हफ्ते ही कंपटीशन है। भैया उसे इतनी जल्दी बनाना मुश्किल है, 5 लाख का खर्चा होगा, ठीक से बताना मुश्किल है। वैसे परसों स्टेज पर आप मेरा नाम कम से कम अपने असिस्टेंट के तौर पर भी नहीं लिया, ये क्या है भैया? क्या
तुम आफ्टरऑल एक मैकेनिक हो, तुम्हारा नाम स्टेज पर घोषित करूं। गनीमत है कि हार पहनाकर आरती उतारने को नहीं कहा। आइडिया का आना जरूरी है, बनाना कौन सा मुश्किल है। 5 लाख किस लिए? 2 लाख में बना दो। मेरे पैसे लूटना चाहते हो क्या? कहकर उसे पैसे देकर चला गया। उसके जाने के बाद मैकेनिक, अरे तो ये तो एहसान भी नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लाख खर्चा होगा और ये मुझे 2 लाख में बनाने को कह रहा है। हर बार कम पैसे देता है, ऊपर से पैसे मुझे डालने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इसे सबक सिखाना होगा। ये सोचकर उसने शू कार बनाया। यूं वो कार चलाता हुआ जाकर श्रीवत्सा को लेकर पड़ोसी गांव रामांतपुर पहुंचा। वहां एक सड़क पर कुछ दूरी पर वो बैल था। भैया, आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी को टेस्ट करने के लिए इस गांव में क्यों लेकर आया हूँ। अपने गांव वालों ने यदि इसे देख लिया तो इसका मॉडल सबको पता चल जाएगा, इसीलिए ट्रायल रन यहाँ बंदोबस्त किया है। इस बार इंजन का स्पीड भी टेस्ट कर लीजिए। मैंने इसे ऐसा सेट किया है कि 2 सेकंड में 100 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ेगा ये, आप ट्राई कीजिए। यूं उसे स्टार्ट करके चलाया तो वो तेजी से जाने लगा। यूं वो बैल के सामने तेजी से जाने लगा तो बैल भड़क गया और उसका पीछा करने लगा। वो यूं पीछे पीछे भाग रहा था और दौड़ते हुए आकर कार को जोर से सींग मारा तो कार उछलकर दूर जा गिरा। गड्ढे में गिरकर कार चकनाचूर हो गया। ये देखकर गांव वाले हंसने लगे। बाद में मैकेनिक बैंक मैनेजर से मिला और अपने बारे में सब कुछ बताकर लोन की गुजारिश की। यूं बैंक से मिले लोन से कई किस्म के कार बनाकर बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगा।